खबर गरियाबंद से है, जहां पर जिला मुख्यालय से महज 25 से 30 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहदा के आश्रित ग्राम पेंगा के प्राथमिक शाला भवन जर्जर है, जिससे बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। शाला के जर्जर मकान और बच्चों की सुध लेने वाले कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहां पर इसे देखने नहीं आए हैं। गैर जिम्मेदार अधिकारी पूरे शासन को ही बदनाम कर रही हैं और प्राथमिक की, लेकिन स्कूल के जर्जर भवनों की मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा रहा है। ऐसे में बच्चों के जर्जर भवन में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और स्कूल के खस्ता हाल भवनों को देखकर अभिभावक भी बच्चों को स्कूल भेजने से काफी डरते हैं। जो बिल्डिंग नया बना है वो जर्जर हो चुका है और जो पुराना बिल्डिंग है बहुत अच्छा है, उसी में हम लोग अभी कक्षा संचालन कर रहे हैं। जबकि पुराना बिल्डिंग जो है 2003 में बना था और नया बिल्डिंग है जो प्राथमिक शाला का वो 2011 में बना है, लेकिन वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अभी हम लोग वर्तमान में जो पुराना बिल्डिंग है उसमें कक्षा संचालित कर रहे हैं। स्कूल बिल्डिंग की समस्या है, जिसमें केवल एक क्लासरूम में 3 कक्षा का संचालन करना पड़ रहा है, जिसमें बच्चों को पढ़ाई करवाने अध्यापन कार्य में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में कहें कहां कहां पे अवगत कराएं? हम लोग इससे पहले कई बार अवगत करा चुके हैं, अपने बीओ ऑफिस में लेटर के माध्यम से, पर आज तक वही समस्या बना हुआ।